हमने कुछ महीना पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करना हो या फिर पैन कार्ड में किसी भी प्रकार के अपडेट क्रिएशन कराना हो तो दोस्तों पैन कार्ड के लिए फ़ोटो का साइज़ या सिग्नेचर हो या डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसे आप बना सकते हैं, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर हो अगर आपके पास तो उससे आप कैसे साइज़ बना सकते हैं, तो हमने फ़ोटोशॉप के ज़रिए से बताया था। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में काफ़ी सारे भाइयों का ऐसा कमेंट आया कि हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम अपने मोबाइल फ़ोन से पैन कार्ड के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है उसका साइज़ हम अपने मोबाइल से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो ही बनाया जाए, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से पैन कार्ड के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर या जो डॉक्यूमेंट होता है उसका साइज़ आप कैसे बना सकते हैं, वो भी आप 2 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। चाहे अपना पैन कार्ड UTI के पोर्टल से अप्लाई करते हैं या फिर NSDL के वेबसाइट से करते हैं, ये पोर्टल के लिए आप कैसे साइज बना सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस आपको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन से पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट साइज बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और आपको सर्च करना है पैन PDF मेकर, इस तरीके से आपको सर्च करना है। सर्च करते ही दोस्तों फर्स्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, पैन कार्ड रिसाइजर, फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट रिसाइजर। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट में लिंक मिलता है आपको इसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेप दिया गया है, जैसे आप 3 स्टेप कम्प्लीट करेंगे वैसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट रिसाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट का रिसाइज करना चाहते हैं उस फाइल को अपलोड करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको पैन कार्ड के लिए फ़ोटो का रिसाइज बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी आप फाइल अपलोड करते हैं उसका मैक्सिमम साइज 10 MB होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। कि हमें पैन कार्ड के लिए सबसे पहले फ़ोटो का साइज रिसाइज करना है तो सिंपली से हम सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों फर्स्ट टाइम अलाउ करने का ऑप्शन मिलता है तो आपको परमिशन अलाउ कर देना है, पर भी आपका फ़ोटो होता है वहाँ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों अब यहाँ पर आ चुका है UTISL.com और NSDL.com। दोस्तों अगर आप UTI के पोर्टल से पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो UTI का यहाँ पर साइज़ बनाना है तो सिंपली से आपको क्या करना है कि इसमें सेलेक्ट कर देना है। और दोस्तों अगर आपको NSDL के वेबसाइट से अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो NSDL का साइज़ बनाना पड़ता है, तो इसमें आपको सेलेक्ट कर देना है। जिस पोर्टल से पैन कार्ड अप्लाई करते हैं या करेक्शन करते हैं तो उस पोर्टल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किसका आपको रिसाइज बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फोटो का रिसाइज करना चाहते हैं, सिंपली से आपको फोटोग्राफ के ऑप्शन में सेलेक्ट कर देना है। अब सेलेक्ट करते दोस्तों अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। ये जो फोटो है अभी हमारा रिसाइज नहीं हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे कि इसको पूरा इस तरीके से हम जूम कर देंगे। हमने यहाँ पर जूम कर लिया है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर प्लस माइनस मिलेगा, यानी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हैं, और इसमें अगर आपका फ़ोटो अगर मान लेते हैं कुछ क्रॉस है, टेढ़ा है, तो यहाँ से भी आप अपना रिसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो काफ़ी अच्छा आपके लिए बेस्ट होगा और यहाँ पर तुरंत आपका साइज में आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम परफेक्ट साइज कर लेते हैं। हमारा फ़ोटो कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको डाउनलोड का आइकन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते दोस्तों अब यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम ओपन करके आपको दिखा भी देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका पैन कार्ड का फ़ोटो रिसाइज हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर आपको सिग्नेचर का भी रिसाइज करना है तो इसी वेबसाइट पर आपको एक बार विजिट करना है और फिर से यहाँ पर आपको अपना इस बार सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। अब आपको नीचे थोड़ा सा आना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर से यहाँ पर आपको पोर्टल सेलेक्ट करना है कि आप किस पोर्टल से पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए इस बार हम UTI पोर्टल को सेलेक्ट करते हैं। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। पर हम सिग्नेचर करना चाहते हैं तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो आपको वेट करना है। तो अब यहाँ पर हमारा साइज के लिए आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा सिग्नेचर कहाँ पर है देख सकते हैं, एक हमने पेपर में लिया हुआ है जो कि इसको हमने क्रॉप तक भी नहीं किया है, यानी बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से,
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सिग्नेचर अगर आपका सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, सही हो चुका है, तो सिंपली से आपको क्या करना है कि नीचे आना है और उसी तरीके से आपको डाउनलोड का आइकन मिल जाएगा। आपको डाउनलोड के आइकन पर क्लिक कर देना है और फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों फिर से आपका ये डाउनलोड हो जाता है। जैसे कि हमारा डाउनलोड हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आपका सिग्नेचर का भी रिसाइज हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी करना है, क्योंकि सभी को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ पैन कार्ड के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसी तरीके से डॉक्यूमेंट भी अपलोड सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा और इसी तरीके से यहाँ पर आपको पोर्टल सेलेक्ट करना है। जो भी आपका पोर्टल है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे और इस बार हमें क्या सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो इस पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ से आपका लोडिंग लिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट जो भी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही है। तो डाउनलोड के आइकन पर हम क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों ये आपका साइज बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है ये, जो कि बिल्कुल PDF में बन चुका है। तो इस तरीके से आप पैन कार्ड के लिए फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो या डॉक्यूमेंट हो, तो किसी का भी आप रिसाइज कर सकते हैं, जो कि 2 मिनट में आप कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट था जो कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।